16.2 एल्केनोइक अम्ल एल्केनोइक एसिड। आपने अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय में अम्लों के बारे में पढ़ा है। प्रकृति में कई तरह के कार्बनिक अम्ल बिखरे पड़े हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल आदि। इन सभी अम्लों में COOH क्रियात्मक समूह होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक समूह कहते हैं। आइए COOH की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखें। जब कार्बोक्सिलिक समूह H मूलक से जुड़ता है तो HCOOH बनता है, जिसे फार्मिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। यदि H के बदले R एल्किल मूलक जुड़ता है तो RCOOH बनता है तथा इसे IUPAC पद्धति में एल्केनोइक अम्ल कहते हैं, अर्थात एल्केन के ई को हटाकर ओइक एसिड या ओइक अम्ल जोड़ा जाता है। सारणी 4 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनके आधार पर उन स्थानों को पूरा कीजिए जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। आप एल्कोहल में समावयवता के बारे में जानते हैं। क्या एल्केनोइक अम्ल में भी कई संरचनात्मक रूप हो सकते हैं? क्या इनके नाम भी अलग अलग होते हैं? आइए कुछ उदाहरणों से इसे समझें। क सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। ख सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। एल्कोहल के नामकरण के समान एल्केनोइक अम्ल में भी COOH क्रियात्मक समूह युक्त लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। श्रृंखला के अंकन में COOH समूह के कार्बन को सदैव एक अंक देते हैं। इस तरह क संरचना वाले एल्केनोइक अम्ल का नाम ब्यूटेनोइक अम्ल तथा ख का नाम 2-methyl प्रोपेनोइक अम्ल है। उपरोक्त संरचना क एवं ख को देखने पर पता चलता है कि दोनों का अणुसूत्र C4H8O2 है, परंतु दोनों में संरचनागत अंतर है, इसलिए क एवं ख एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। क एवं ख को ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों एक दूसरे के स्थिति समावयवी हैं या श्रृंखला समावयवी। 16.2.2 एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक निर्माण शीघ्र सिरका विधि क्विक विनेगर मेथड। एथेनोइक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन एल्कोहल से किण्वन विधि द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक ऐसे बर्तन का उपयोग किया जाता है जिसमें नीचे से वायु प्रवाह के लिए छिद्र बने रहते हैं। बर्तन में लकड़ी की छीलन भरकर अमोनियम सल्फेट मिलाया जाता है। अमोनियम सल्फेट जीवाणुओं की वृद्धि में सहायक होता है। फिर इसमें 10% एथेनॉल ऊपर से धीरे धीरे डाला जाता है। किण्वन प्रक्रिया के फलस्वरूप पात्र के सबसे निचले हिस्से में एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। इस विधि द्वारा प्राप्त एथेनोइक अम्ल सिरका कहलाता है। इसमें एथेनोइक अम्ल की सांद्रता 3-4% होती है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल जिसमें जल न हो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहलाता है। इसका क्वथनांक 118°C होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है या नहीं, इसकी जांच प्राप्त उत्पाद में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर की जाती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनने पर तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।